अरे आने अब क्या रुका दे क्या? ओह नो, थोड़ा पीछे आ, थोड़ा पीछे तो वीडियो बनाने का मोबाइल। हेलो मैम, मैम यो सेंटर थोड़ा पीछे पता बता रहा था पहले जी बैठ। थैंक यू बाय। हम कुछ नए प्रोजेक्ट आने वाले, आपको गाना भी आपका बहुत फेमस हो गया था मिक्का सिंह जैसा। हाँ, क्या है अभी वेब की बहुत बातें चल रही है, थोड़ा अभी लॉकडाउन ईज हो रहा है, चीज़ें वापस पिकअप हो रही है। आई थिंक अर्ली नेक्स्ट जनरेशन। शेफाली मैम, बिग बॉस 14 के आप धमाकेदार कंटेस्टेंट रह चुके हैं और अभी 13 की सॉरी और 14 चल रहे मैम, तो टॉप 3 और टॉप 3 तो क्या, अभी तो टॉप 2 आज अनाउंस हो जाएंगे। बहुत ही शॉकिंग है, प्रोमो से तो लग रहा है बिल्कुल सीन पलट चुका है। जो लोगों को मैंने प्रिडिक्ट किया था वो शायद नहीं है टॉप 2 में, बट वन प्रिडिक्शन इज राइट, रुबीना। आई थिंक रुबीना शुड मेक इट टू टॉप 4। एजाज और अभिनव तो ऑलरेडी टॉप फिनाले में पहुँच चुके हैं एंड राहुल ने आज अनएक्सपेक्टेडली एग्जिट ले ली है, तो वो मैं जानना चाहूँगी क्यों, बिकॉज मैं कम्प्लीटली मतलब रूट कर रही थी कि वो आगे बढ़े, पर आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग रहेगा, मैं देखना चाहूँगी क्या हुआ। मैम कविता कौशिक ने भी कभी अगर देखा है तो उन्होंने भी बिना कुछ कहे सोच समझे घर से बाहर हो गए, तो जी उनका मानना ये था कि बिग बॉस बायस्ड है, जो उनका ओपिनियन है, वी आर ऑल फ्री सोच सकते हैं, बट ज़रूर कहना चाहूँगी बहुत ही मुश्किल खेल है और अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग लोग क्रैक हो जाते हैं यहाँ पे, सो मे भी उनका कॉल था, जैसे आज राहुल ने भी कॉल ले लिया एग्जिट करने का। सो इट्स नॉट एन ईजी गेम और सीजन बाय सीजन इम्प्रूव होता है, बहुत ही मुश्किल गेम है, बहुत ही टेस्ट करता है आपका पेशेंस, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, हर एक चीज़ आपका करेज। सो आई'd लाइक टू विश कविता जी ऑल द बेस्ट, बट शी वाज डूइंग दैट। अगले साल अर्ली नेक्स्ट ईयर मैम एजाज का गेम कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं एजाज, सोलो खेलने की हिम्मत रखते हैं और ये देख के मुझे बढ़िया लगता है और मुझे लगता है वो सही समय पर सही जगह पे आए हैं। एजाज के जो चाइल्डहुड ट्रॉमास है, जो मेंटली वो ट्रॉमेटाइज है, बिग बॉस का घर है जो उसको हील करेगा, आई एम श्योर ही कम आउट स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, सो ही इज एट द राइट प्लेस एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। मैं विनर किसे देखना पसंद करेंगे आप? अभी तो बहुत मतलब आज तो चैलेंजर्स भी एंटर कर रहे हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर चैलेंजर्स में से कोई जीत गया तो बड़ा मज़ेदार होगा, मतलब टोटली सीन पलट जाएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज एपिसोड। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। मैम कुली का ट्रेलर देखे क्या आपने? कुली नंबर 1 वरुण। मैंने नहीं देखा है, अच्छा है। हाँ आप मैं जाके देखूँ। थैंक यू।